नमस्कार, मैं इनके सिंह सरपुत्र पंजी में आपका स्वागत है। ये नज़र डालें आज के खास खबर पर। फैजाबाद में 3 जुलाई 2021 को कलेक्टर बैरियर में सपा व भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों में वोट की बात को लेकर के हुआ विवाद है। पुलिस ने किया बल का प्रयोग। सपा के जिला पंचायत सदस्य मान सिंह ने किया भाजपा का सख्त विरोध। अयोध्या से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मानसिंह समाजवादी पार्टी का वोटर दो थानों से वांटेड है, अपराधी है। उस अपराधी के वोट पड़ने को लेकर यहाँ विवाद हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोग जबरदस्ती मानसिंह जो अपराधी है उसका वोट डलाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांतिपूर्ण रूप से प्रशासन से मांग करता है कि मानसिंह जो अपराधी है उनका वोट न पड़ने देना चाहिए, चूंकि वो पुलिस फाइल में वांटेड है। कितना ही भारतीय जनता पार्टी का कहना। हमें वांटेड कर दिया, हमें क्या कर दिया पता नहीं। हम सक्रिय सदस्य समाज में तोड़ कर रहे हैं, पुलिस पटाना कर रही, जिला पता कर रही, कुछ जो हमको पता नहीं। हम पुलिस यादव जी को और करने जा रहे हैं। कौन लोग ने आपने पहले हमला किया आपको? ये फैजाबाद सूची टीम थी और फैजाबाद प्रशासन था। ये बवाल किसने काटा किया? आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके अधिकारियों के संरक्षण में हमारे जिला पंचायत सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के जो ये तथा कथित इन्होंने गुंडों का इकट्ठा किया था, पुलिस की मौजूदगी में मारा और पीटा गया है। पूरी सरेआम गुंडाई हो रही है, वोट डालने से रोका जा रहा है, जिला पंचायत सदस्यों को मारा जा रहा है और ये बहुत ही अमानवीय व्यवहार है। हम इसकी निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी के सदस्यों को पुलिस के साथ मिलकर मारेंगे, पीटेंगे, कपड़ा फाड़ेंगे, गला दबाएंगे, जान से मारने की कोशिश करेंगे। ये व्यवहार योगी आदित्यनाथ की सरकार में आज अयोध्या की धरती पर जिला पंचायतों के साथ सदस्यों के साथ हुआ, जिसकी हम निंदा करते हैं और ये व्यवहार अच्छा नहीं है। सरकारें आती जाती रहती है। क्षमा करना चाहता हूँ। कोई घायल भी है जो वोट के दौरान जो आपके प्रत्याशी आए? मारा गया, कपड़ा फाड़ा गया, मानसी को मारा गया, शेरा निषाद कपड़ा फाड़ा गया, सोनू का कपड़ा फाड़ा गया, राजमणि यादव की सर गला दबाया गया, सरोज यादव महिला उसको टुकड़ा किया गया। बताइए, महिला को गला दबाया जाएगा, कपड़ा फाड़ा जाएगा, सीने पे लग के पैर मारा जाएगा, ये बर्ताव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और पुलिस द्वारा। पुलिस संरक्षण दे रही है। मंत्री जी, उनका आरोप है कि काकतो अपराधी है। अपराधी है, हमारे साथ मारपीट किया उन्होंने, मैं अपराधी हूँ? ये जितने नेता खड़े सब अपराधी है। यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या कर रहे थे कप्तान? चूड़ी पहन के बैठे थे इनका। तो आप मानते हैं सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है? सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और जो लोग दुरुपयोग याद कर रहे हैं ना, 6 महीने बचे, याद रखना इस बात को। हमेशा दिन ऐसा नहीं रहता। बैठ लीजिए।
हट जाइए।